कहीं से भी लग रहा कल बारिश हुआ था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से वीडियो में। आज है फ्राइडे तो आज प्याज लहसुन यूज करेंगे खाना बनाने के लिए। तो आज बन रहा फिर से अंडा करी, यहाँ पे बॉयल हो रहा है जो कि सही है। बॉयल हो जाने के बाद मैं नहीं बनाऊंगा, मम्मी सब सारा कुछ करेंगे। मैं बस आज अभी थोड़ी देर में एडिटिंग स्टार्ट करूंगा और एक दो घंटे के अंदर अंदर वो हो भी जाएगा। और उसके बाद मेरे को बनाना है पोर्ट्रेट, उस पर काम करना पड़ेगा। वो थोड़ा जल्दी खत्म कर दूँ तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, समय लगेगा ये सब चीज़ों में, समय तो लगेगा ही। और ये देखो कल मैं ऐसे ढक के रख दिया था ना, तो इतना तो हुआ है, बाकी ये सब पोर्शन बाकी है। और ये सब में भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट देना है तो वो हो जाएगा। तो गाइस मेरा यही काम है अभी फिलहाल, तो पहले एडिट करूँ उसके बाद ड्रॉ करने बैठूंगा। सेटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा समय ले ले रहा है क्योंकि शर्ट वाला एरिया में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो धीरे 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 वो स्ट्रक्चर में ला ही दूंगा जैसे भी करके। पोर्ट्रेट जो है बड़ा बन रहा है, बड़ा पेपर है बोल के A3 पेपर ही मैंने यूज किया है उसमें। बड़ा साइज का फोटो में डिटेल अच्छा दिखना चाहिए तभी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, तो वो सब चीज़ है। तो वो सबको कायदे में ध्यान में रखते हुए स्केचिंग कर रहा हूँ। और गाइस मैं सोच रहा हूँ एक PC बिल्ड करूँ। PC बिल्ड करना लग रहा है इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं काम तो आएगा और प्रोडक्टिविटी में थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो सोच रहा हूँ PC बिल्ड करूँ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या PC बिल्ड करूँ और बजट कितना रहेगा, इतना अभी तो कुछ नहीं पता। बस एक अंदर से बस यही आ रहा है कि भाई अगर बना तो शायद प्रोडक्टिविटी में थोड़ा और बढ़ जाएगा काम। फ़ोन में तो वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन एक PC रहता तो मैं अदर ऑप्शन भी और भी बहुत कुछ उसमें ऐड कर सकता था। देखते हैं, ये बस एक सपना टाइप का सोच लो, ठीक है? ऐसा अभी कोई फिक्स नहीं कि बनेगा ही, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो बनाएंगे। तो सबके बारे में थोड़ी जानकारी ले कर रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि कौन सा क्या होगा क्या होगा, वही सब अभी वीडियो देख रहा था। ये पूजा पाठ रोजे उपास आता नहीं है मुझको, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अल्लाह। आई नो व्हाई यू डिड, प्रॉब्ली आई वाज अ किड, ऐसे पढ़े लकी बन गया बच्चे से मर, नो बड़े एम्बिशन, नहीं बनना है नंबर वन, धन मिल भी गया टन, नो सब पढ़ने वाला है कम, बस मेरा बाप ये मुझसे बोले देर आई एम प्राउड ऑफ यू सन, होता हूँ पैडी को भी चिले कॉस लंबी है विश लिस्ट, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, जब डब के सब के बक बक से पक के मेरे रब के शक थे ध्यान से, वक्त पे हिम्मत से डट के और हक से लड़ के रट रट के, बस यही शक्ति दे कम्फर्ट से हट के एडजस्ट टू कब से हार्ड वर्क है कस के बरकत हो झट से पर ये पूजा पाते लो से पास आता नहीं है मुझको, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट। दोस्तों अभी कुछ ऐसा लग रहा है, शर्ट में स्ट्रक्चर आना शुरू हो चुका है और मैं इसी के लिए वेट कर रहा था, जैसे ही आएगा मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करूंगा। इस पे काम अभी करता रहूंगा तो पूरा धीरे धीरे और उभर के आएगा। फिर भी देखो ठीक ठाक ही लग रहा है, ये वाला एरिया थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है और ऊपर में भी थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट अभी बाकी है। तो सिंपल प्रोसेस है गाइस, कुछ नहीं, पहले क्या किया, ब्लेंडिंग स्टेम से पूरा स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक लेयर दिया और इससे पूरा ब्लेंड कर लिया टिश्यू पेपर से, और उसके बाद बस हाईलाइट देते गया और
स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है अब तो। ये प्रोसेस गाइस तब तक चलाऊंगा जब तक ये फोटो से अच्छे से मैच ना हो जाए, तब तक मैं ऐसे ही इस पे काम करता रहूंगा। फेस में भी बहुत काम है, लेकिन फेस को अभी मैं छोड़ ही दिया हूँ क्योंकि शर्ट थोड़ा ज्यादा हार्ड है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत सारा है और डिटेल उतना अच्छे से दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं शर्ट पे काम कर रहा हूँ। शर्ट पूरा हो जाने के बाद फिर फेस पे थोड़ा काम करेंगे और बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कर देंगे भाई, बहुत सही लगेगा और जल्दी से ये कम्प्लीट भी हो जाएगा। ये कम्प्लीट हो जाने के बाद कुछ और ड्रॉ करेंगे कलर वाला, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अगर ये हो जाता तो अच्छा होता। डेली एक दो घंटा बैठ के कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। अभी बज रहा है 2 और मैं लंच नहीं किया हूँ, तो लंच करते हैं। और आज है लंच में गाइस, ये देखो चावल और ये बैगन आलू का कोई मिक्स सब्जी है और ये अंडा करी। ये बात। और गाइस मैं इधर आया तो मम्मी जी क्या देख रहे हैं देखो। कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? मम्मी जी तो इसी चीजों में खोए रहते हैं, पूरा सुनते रहते हैं। यार ये लाइट ऑफ कर देते हैं। जी हाँ, करंट चला गया है और मैं सो ही रहा था, नींद लग भी गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और अभी मैं ड्रॉ भी नहीं कर सकता। कहीं से भी लग रहा है कल बारिश हुआ था। तो गाइस शाम हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं मेरे साथ भैया भी जा रहे हैं जगबाव, चल रहे हैं शॉपिंग, सामान लेना है एसेंशियल जो जो है, जैसे ब्रेड वगैरह जो जो है, छोटा मोटा चीज जो है वो लेना है, तो चलते हैं। और मम्मी जी आज नहीं चल रहे हैं, पहले बोल रहे चलो फिर अभी नहीं, रोटी बनाएंगे। तो अभी मम्मी रोटी बनाएंगे तो मैं और भैया जा रहे हैं, सारा सामान लेके आते हैं, चले। ओ भाई लुक देख रहे हो इसका है, वोंग वोंग चलो चलो चलो। ए दे भाई दे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ा बाल, पहली बार है इतना बड़ा बाल रखा है दोस्तों। सही तो लग रहा है, है अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ चलो चलो चलो, लेट नहीं करेंगे। खोज रहे दोस्तों, तेल तो मिल नहीं रहा है, क्या बोलते हो, नारियल तेल नहीं आता क्या? उस साइड भी खोजा, वो तो उधर है, उधर है। तो क्या खोज रहा है भाई, चल इधर खोज रहा है, मैं तो इधर गया। इसका छोटा वाला नहीं है, बड़ा वाला है। वो साइड तो मिल गया, ले लो ये एक ठो भाई, एक ही पीस बचा हुआ था क्या? ये अलग है, रंग अलग है। ये गोल्ड 100% प्योर, यही ले ले भाई, ये भी 100% प्योर भाई। डिटर्जेंट पाउडर भी लेना है, मिल भी है, यही है 2-in-1। हाँ एच है, एच है। ये सब क्या है भाई? अरे ये तो खुल गया, क्या चीज़? वाश करने का वही कप ऊपर, वाशर दे दिया भाई, भाई ये भी गया। रखो रखो रखो, बहुत बड़ा सामान आ रहा है। मेरे को ये सब भी लेना था यार, सोया सॉस, केचप,
ग्रीन चिल्ली। देगा मम्मी जानबूझ के 2000 नहीं दिया, नहीं तो वो भी खत्म हो जाता। तू आया ना, कुछ भी हो सकता है। पैसा हर बार खत्म हो जाता है दोस्तों। ये देखो, ये एक तो मिल रहा था तो इसको भी ले लिया। तीन टू क्या अलग अलग बाइकर एक ही साथ मिल रहा था तो इसी को खरीद लिया गया। तो मम्मी जी अब देखेंगे क्या क्या लाया है। साथ में कीड़ा भी आ गया रे। कहाँ से 1012 कीड़ा का क्या रेट, वो फ्री में आता है। क्या कीड़ा? अच्छा कीड़ा, अब उसको क्या करे, कहीं पे भी गाइस जा रहा हूँ, मॉल में एसी वगैरह नहीं चल रहा, सब बंद करके रख दिए। इसीलिए मम्मी नहीं गई। वाह, रोटी हो गया। अरे बड़ा बड़ा कूलर लगा दिया लेकिन वो क्या फायदा, वो गेट में जो है वहाँ पे एक लगा हुआ, गेट में ही लगा हुआ है और अंदर एक दो ठो लगा हुआ है तो कहीं पे भी हवा अच्छे से मिल नहीं रहा। कीड़ा गया, ये तो कीड़ा इधर। ये देखो ये सामान लाया गया, ये है चना, ये देखो मैरी गोल्ड नहीं है ये। इसको ना, इसको खाने का एक तरीका है दोस्तों, चाय लो उसमें बिस्किट डालो एक पूरा रो और उसको चम्मच से पूरा एकदम कूट डालो पूरा अच्छे से और फिर उसको पेस्ट बना के खाओ, मजा आ मस्त लगता है। तो इसीलिए इसको लिया गया है। यह है आटा में, कैसा लगेगा नो आइडिया ब्रो, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगे इसलिए ले लिया। ये कोकोनट ऑयल है, रिफाइन ऑयल, और ये पिछले बार लाया था तो अच्छा लगा था तो इस बार भी लेके आया है। और यहाँ पे सब चीनी दाल और वो क्या है डिटर्जेंट, बस यही सब लाया गया है। और इस बार ब्रेड नहीं लाया, भूल गया लाने, नहीं तो वो भी याद रहने से लेके आता, तो मम्मी वेट करी थी ब्रेड लाऊंगा मैं, ब्रेड भूल गया लाना। क्या काम कर रहा है वो, दाल वगैरह जारों में डाल रहा है और क्या, प्रोफेशनल तुम ही करना है ऐसा हर बार। तो गाइस आज बनाने वाले हैं सोयाबीन आलूदा सब्जी, छोटा वाला सोयाबीन जो लाए थे अच्छा छोटा वाला। ये देखो इसको अगर दूध में डाल दूं तो ये रसमलाई हो जाएगा। कुछ भी गाइस, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे अभी फिलहाल। तो फ्राई करने के बाद उसे मसाला ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं, सोयाबीन थोड़ा ज्यादा ही तेल सोक कर लेता है। तो ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस मसाला बनाना है और जो भी मैं फ्राई करूंगा उसको उसमें ऐड कर दूंगा तो बस सोयाबीन आलू का सब्जी तुरंत बन जाएगा। हो चुका है और मैं इधर आके थोड़ा देख रहा था कि मैं ड्रॉ करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन छोड़ो आज आज तो इतना बना के रख दिया हूँ, कल अब कंटिन्यू करेंगे। ये डब तो ऐसे करके बस। तो खैर गाइस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज मेरी मम्मी जो है गाइस यशोदा मैया बन चुके हैं।
वैसे सबकी मम्मी तो ये सदा जैसी ही रहती है, लेकिन देखो आज देखो क्या कर रहे हैं, ये क्या है।